हार्दिक पांडे को ट्रोल करने वालों को होगी जेल। मुंबई इंडियंस के कप्तान को बचाने के लिए उठाया बड़ा कदम। मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट ने एमसीए से की बातचीत। मैच के दौरान एमसीए रखेगा हर क्रिकेट फैन पर नजर। हार्दिक पांडे को परेशान करने या ट्रोल करने वाले किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया जाएगा और उसे स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाएगा। आईपीएल में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा, जबकि दूसरे मैच में दिल्ली और चेन्नई की टीमें आमने सामने होंगी। गुजरात अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है, जबकि हैदराबाद ने पिछले मैच में मुंबई को हराया था। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। विशाखापट्टनम के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में सीएसके पॉइंट टेबल पर पहले नंबर पर मौजूद है। टीम ने अब तक दो मैच खेले और दोनों मुकाबलों में से जीत हासिल हुई है। वहीं ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने मौजूदा सीजन में अपने दोनों मैच गंवाए हैं। डेविड विले के आईपीएल से बाहर होने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को टीम में शामिल किया है। डेविड विले ने निजी कारणों की वजह से आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया। मैट हेनरी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 1.25 करोड़ रुपए में अपनी टीम के साथ जोड़ा है। मैट हेनरी लगातार 140 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। श्रीलंका क्रिकेटर वरेंदु हसरंगा अभी तक टीम के साथ नहीं जुड़े हैं। हसरंगा टखने में लगी चोट से जूझ रहे हैं, जिसके चलते वो हैदराबाद की टीम से नहीं जुड़ पाए और ऐसा भी हो सकता है कि वे पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। हसरंगा के मैनेजर ने अपने बयान में बताया कि वो अभी चेकअप के लिए दुबई जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए हसरंगा श्रीलंका टीम का हिस्सा है। आईपीएल में खराब फॉर्म से गुजर रहे ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज मिचेल स्टार्क को मिला इरफान पठान और स्टीव स्मिथ का साथ। इरफान ने बताया कि स्टार्क को गेंद अंदर की तरफ स्विंग करानी होगी, अगर वो ऐसा करते हैं तो बैट्समैन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो वहीं स्टीव स्मिथ ने बताया कि स्टार्क को अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन लाना होगा। आईपीएल के दो मैचों में स्टार्क कोई विकेट नहीं ले पाए हैं। अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हो सकता है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीमों की लिस्ट सौंपने के लिए आईसीसी की कट ऑफ तारीख 1 मई है। टूर्नामेंट की सभी टीमों को 25 मई तक अपने ऑप्शनल टीम खिलाड़ियों को बदलने का मौका मिलेगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में होगा 15 सदस्यीय खिलाड़ियों का सिलेक्शन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने बाबर आजम को व्हाइट गेंद की कप्तानी देने की पेशकश की है, लेकिन बाबर आजम की तरफ से कोई फैसला नहीं आया। दूसरी तरफ शाहीन शाफरीदी टी20 की कप्तानी छोड़ने का मन बना चुके हैं। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संटो ने मैच के दौरान ऐसा डीआरएस लिया जिसके बाद वो फैंस के निशाने पर आ गए। श्रीलंका के खिलाफ लिया गया उनका डीआरएस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लंका पारी के 44 ओवर में तेजुल इस्लाम गेंद डालने आए थे। ओवर की 5वीं गेंद पर कुशल मेंडिस ने आगे निकलकर डिफेंसिव शॉट खेला। गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच लगी। स्लिप में खड़े कप्तान नजमुल हुसैन ने आनंद फानंद में रिव्यू ले लिया। इसके बाद थर्ड एम्पायर ने रिव्यू खारिज कर दिया। बांग्लादेश का अफगानिस्तान दौरा रीशेड्यूल हो गया। दोनों टीमों के क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की सीरीज में भिड़ना था। बीसीबी के मुताबिक जुलाई में अफगानिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को 2 टेस्ट 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी थी, लेकिन अब इसे रीशेड्यूल कर दिया गया। बीसीबी ने हवाला देते हुए कहा है कि बिजी शेड्यूल की वजह से फिलहाल नई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है।